नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंदौरी मनोरंजन पर। तो अभी हम आ गए हैं धार के किले में। इंदौर से लगभग इसकी दूरी 65 किलोमीटर है, जिसकी लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे ही आप इस किले पर आते हैं तो आपको 3 गेट क्रॉस करके अंदर की तरफ आना होता है। जैसे ही आप तीसरे गेट को क्रॉस करते हैं तो आपको यहाँ पर पार्किंग का एक बोर्ड दिखाई देता है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहीं से आपको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक म्यूज़ियम दिखाई देगा, जहाँ पर 11वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आपको कुछ महल दिखाई पड़ते हैं, जिसका रास्ता यहाँ से जाता है। तो चलिए अब हम उस महल की तरफ चलते हैं। जैसे ही हम आगे की तरफ आते हैं तो हमें सबसे पहले जो महल दिखाई पड़ता है वो है शीश महल। जैसा कि आप मेरे पीछे एक बोर्ड देख सकते हैं जिस पर लिखा हुआ है शीश महल, और उसके बारे में कुछ खास बातें लिखी हुई हैं। इस बोर्ड पर लिखी हुई बात को यदि मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं तो ये जो महल है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। और इस महल की कुछ खास बातें हैं कि यहाँ पर बहुत सारे कक्ष बने हुए हैं छोटे छोटे, और ये जो महल है वो 2 मंजिला बना हुआ है। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ से जो सीढ़ियाँ हैं ये महल के ऊपर छत की ओर लेकर के जाती हैं। और जैसे ही हम आगे की तरफ आते हैं तो यदि हम इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पर ऊपर एक मेहराब बना हुआ है, और थोड़ा सा हम आगे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा कक्ष बना हुआ है, पर अंदर की तरफ काफ़ी अंधेरा है और चमगादड़ भी हैं, तो इसके लिए हम अंदर नहीं जा रहे हैं। मैं आपको एक अपना जो ऑब्जर्वेशन है वही मैं आपको बता रहा हूँ। और थोड़ा सा हम आगे की तरफ आते हैं तो ऐसे ही और भी कक्ष यहाँ पर बने हुए हैं। इसकी तुलना में वो कक्ष थोड़ा सा छोटा था, और ये जो कक्ष है ये काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पर भी अंधेरा है और यहाँ पर भी बहुत सारे चमगादड़ हैं। थोड़ी सी हम आगे की तरफ और जाते हैं तो हमें एक मैदान की तरह कुछ दिखने वाली जगह दिखती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि असल में मैदान है या कुछ और। वैसे यहाँ से यदि हम देखते हैं तो वहाँ से सीढ़ियाँ हैं जो कि ऊपर छत की तरफ जाती हैं, और ये बाउंड्री बनी हुई है इस किले की, और वहाँ से भी कुछ सीढ़ियाँ हैं। और यहाँ पर पूरा ओपन एरिया है, और यहाँ पर भी अंदर की तरफ जाने का, जैसा कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जो कक्ष बने हुए हैं उन कक्ष में जाने के लिए ये कुछ रास्ते भी यहाँ पर बने हुए हैं। जैसे ही आप शीश महल से थोड़ा सा आगे की तरफ आते हैं तो आपको एक दूसरा महल दिखाई पड़ता है, जिसका नाम है सप्त कोठरी। ये जो महल है इसके अंदर प्रकाश व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई कुलिकाओं का निर्माण किया गया है, जिसमें रात में प्रकाश बनाए रखा जा सके। इसके नाम से ही ये जाहिर होता है कि इसमें 7 कोठियाँ बनी हुई हैं जो कि सैनिकों के रात्रि विश्राम के लिए बनाई गई होंगी। यहाँ से हम थोड़ा अब चलते हैं ऊपर की तरफ और देखते हैं और क्या क्या खास बातें हैं इस महल की। जैसे सीढ़ियों के रास्ते आप ऊपर की तरफ आते हैं तो आपको इसकी छत पर कुछ इस प्रकार का नज़ारा देखने को मिलता है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक परकोटा बना हुआ है, और यहाँ से हम यदि ऊपर की तरफ चलें और देखें कि यहाँ से नज़ारा किस प्रकार का दिखता है, तो मैं जैसा कि आपको मेरे को देख करके और मेरे बालों को देख करके ये आभास हो ही गया होगा कि यहाँ पर कितनी तेज़ हवा चल रही है, और उसका कारण है इसकी ऊँचाई। खैर, वैसे परकोटा महल की ऊंचाइयों पर ही बनाया जाता है क्योंकि इसका निर्माण विशेष रूप से नज़र रखने के लिए बनाया जाता है। अब हम आज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा धार शहर यहाँ से दिखाई पड़ता है, और यदि आप इस तरफ देखें तो यहाँ पर धार का एक छोटा सा तालाब वो भी आपको दिखाई पड़ता है, और यहाँ पर जो पवन चक्कियाँ चलती हुई काफ़ी आकर्षक लग रही हैं, तो ये कुछ खूबसूरती देखने को मिलती है। जैसे ही आप सप्त कोठरी से अंदर की तरफ आते हैं तो आपको एक जो आखिर का महल है खरबूजा महल वो दिखाई पड़ता है। इस महल का नाम खरबूजा महल इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो महल है वो खरबूजे के आकार का है, और खरबूजा महल यहाँ से तो कुछ इस प्रकार का दिखता है। वहाँ से एक रास्ता है
यानी कि कुछ सीढ़ियां हैं जो कि इस महल की छत पर छत की तरफ जाती हैं। तो चलिए हम आपको उस रास्ते पर लेकर के चलते हैं और इसकी छत पर जाते हैं और बताते हैं कि उस जगह से यह महल और इस महल के बाहर की चीज़ें कितनी खूबसूरत लगती हैं। यहाँ जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो कि ऊपर की तरफ जाती हैं। वैसे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यदि यहाँ आते हैं तो आप ऊपर की तरफ ना जाएं, क्योंकि यहाँ पर जाने के लिए एक तो रास्ता है नहीं और जो रास्ता बना हुआ है तो जो उसका बेस है लकड़ी का वो बिल्कुल जर्जर हो गया है। हवा का जो दबाव है वो काफ़ी है, ताकि कोई भी हादसा हो सकता है, तो आप बिल्कुल भी ऊपर की तरफ जाने का प्रयास न करें। और यदि आप ऊपर आते हैं तो आप कोशिश करें कि आप इसी एरिया में रहें, यहीं पर आप यदि फ़ोटोग्राफ खींचते हैं तो आप यहीं पर अपने फ़ोटोग्राफ खींचें, वीडियो बनाएं। और यदि आप कुछ पार्टी करते हैं तो पार्टी तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर मेरे ख्याल से सफाई रखना ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप वो ना करें। जैसे ही हमने खरबूजा महल को घूमा उसके बाद हम बाहर की तरफ आए, जैसा कि वहाँ पर एक थोड़ा सा स्पेस बना हुआ था उसके सामने की तरफ एक महल की छत हमें दिखाई पड़ी। और जैसे ही हम उस महल की छत की तरफ आए तो हमें यहाँ पर देखने पर पता चला कि ये वही सीढ़ियाँ हैं जो कि हमने वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को बताई थी, जो कि शीश महल की सीढ़ियाँ थी। और यही सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जब जाती हैं तो ये आपको सीधे, जैसे ही आप इससे ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपको सामने की तरफ खरबूजा महल दिखाई पड़ता है। अभी हम जिस जगह पर मौजूद हैं वो शीश महल की छत है और उस छत के ऊपर ही ये सब बना हुआ है। और इससे जो कि उस बोर्ड पे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ये जो महल है वो 2 मंजिला महल है और यहाँ पर हम पहली मंजिल पर खड़े हैं। और मेरे ऊपर की तरफ यदि आपकी नज़र जाए तो ये जो है वो उसकी दूसरी मंजिल है। यहाँ से हम थोड़ी ही आगे की तरफ बढ़ें तो आपको देखने को मिलेगा कि जो हमने शीश महल के बाद में यहीं से जो सप्त कोठरी महल हमें दिखाई पड़ा था उसे भी आप यहां से साफ तौर पर देख सकते हैं। और यहीं से आप इस तरफ से यहां की तरफ नज़र मारें तो यहां से सीधे की तरफ आपको खरबूजा महल दिखाई पड़ता है। तो चलिए हम इस तरफ जाते हैं जहां से सप्त कोठरी महल हमें दिखाई पड़ रहा है और देखते हैं कि यहां से जो नज़ारा है वो किस तरह का है, किस प्रकार का है। और यहाँ पर हम आते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ से सप्त कोठरी महल बखूबी पूरी तरह से दिखाई पड़ रहा है। और यहीं से जो हमने आपको परकोटा दिखाया था और उसके पहले जो एक जगह बनी हुई थी ये वही जगह है और इस जगह के उस तरफ परकोटा बना हुआ है। तो अभी इन सभी जगहों को देख लेने के बाद में अभी इस महल का कुछ और हिस्सा बाकी है, तो चलिए अब हम उस तरफ चलते हैं। अब हम आ गए हैं महल के उस हिस्से में जो कि बाकी के जो 3 महल थे उससे दूसरी तरफ, यानी कि किले का जो मुख्य द्वार था वहाँ से जो छत बनी हुई है उसके ऊपर हम आ गए हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आपको 3 गेट होते हुए अंदर की तरफ जाना होगा, तो ये वो गेट हैं। और यहीं से आप बाहर की तरफ देख सकते हैं कि मेन रोड सीधे लगी हुई है और इसी मेन रोड से होते हुए आप अंदर की तरफ आएंगे और अंदर जा कर के अपनी गाड़ी को पार्क करके पूरे महल को घूम सकते हैं। तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा आज का व्लॉग। हमने आपको इस व्लॉग में बताने की कोशिश की कि कैसे आप इस किले तक आएंगे। इस किले में आते ही आपको एक म्यूज़ियम दिखाई देगा जिसका 10 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क था। और उसके बाद में हमने आपको 3 महल के बारे में बताया। एक चीज़ मैं आपसे विशेष आग्रह करूँगा कि यदि आप ऐसी ही और भी जगह को यदि जानते हैं जिसका आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँ, ताकि हम उस जगह की भी इसी प्रकार की वीडियो बना सकें। तो फाइनली दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।